हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। दोस्तों, जल्द ही महिंद्रा अपनी 7 सीटर SUV यानी कि XUV500 को भारत में उतारने वाला है। दोस्तों, नई XUV500 का मुकाबला सीधा सीधा जीप की कंपास, MG की हेक्टर, टाटा की हैरियर और हुंडई की आने वाली ट्यूसॉन से होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नई XUV500 के इंटीरियर, एक्सटीरियर और क्या क्या चेंजेस इस गाड़ी में हुए हैं। तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जाके सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हम इसके एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो दोस्तों, इसका एक्सटीरियर लुक्स आपको कम्प्लीटली ही चेंज मिलेगा। इसमें आपको नए डिज़ाइन के हेडलाइट्स मिलेंगे जो कि प्रोजेक्टर के साथ होंगे दोस्तों। साथ ही साथ इसमें आपको DRL का भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। अगर हम बात करें इसके बीच की ग्रिल की, तो इसमें आपको महिंद्रा की बैजिंग के साथ क्रोम शेप्ड ग्रिल मिलेगी दोस्तों, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा लग्जरी होगी। साथ ही साथ इसमें आपको प्रोजेक्टर फोगलम का भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको ब्लैक स्मोक ट्रीटमेंट मिलेगा इसके हेडलाइट्स में आपको, जो कि और ज़्यादा कार की लुक्स बढ़ा देती हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसमें आपको क्रोम की गार्निश भी मिलेगी दोस्तों। और फ्रंट और रियर में दोस्तों, इसमें आपको स्किप प्लेट्स का भी ऑप्शन मिलेगा। अगर हम रियर की बात करें तो रियर के हेडलाइट्स भी इसमें आपको कम्प्लीटली चेंज मिलेंगी, जो कि LEDs होंगी। साथ ही साथ इसमें आपको क्रोम का ट्रीटमेंट भी हेडलाइट्स पे मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको डुअल साइलेंसर का ऑप्शन भी मिलेगा, और साथ ही साथ पीछे आपको डिफॉगर और वाइपर का भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें आपको शार्क फिन एंटीना भी मिलेगा। अगर हम बात करें इसके ओवरऑल बैक के प्रोफाइल की, तो गाड़ी दिखने में आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार लगेगी। आपको बिल्कुल अप मार्केट इसमें लुक्स दिया गया दोस्तों। अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इसमें आपको 2.2 लीटर का MOG डीजल इंजन मिलेगा, जो कि 160 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा दोस्तों। और ये इंजन आपको BS6 नॉर्म के साथ ही दिखाई दिया जाएगा। और इसमें आपको 2 लीटर का M-Stylization पेट्रोल इंजन मिलेगा दोस्तों, जो कि उससे ज़्यादा पावर यानी कि 180 PS की पावर प्रोड्यूस करेगा दोस्तों। नई XUV में मिलने वाला ये इंजन आपको 6 स्पीड की मैनुअल और 6 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा दोस्तों। नई XUV500 आपको फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन में मिलेगी दोस्तों। रिपोर्ट्स के अनुसार महिंद्रा XUV500 हमको टेस्टिंग के दौरान भी दिखाई दी गई है दोस्तों। नई महिंद्रा XUV500 का इंटीरियर आपको बिल्कुल ही चेंज मिलेगा। इसमें आपको सॉफ्ट टच डैशबोर्ड के साथ लेदर टच का भी फील मिलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ इसका कैबिन दोस्तों पहले से ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि इसका व्हील बेस गाड़ी का बढ़ा दिया गया है दोस्तों, जिससे कि आपको गाड़ी में ज़्यादा स्पेस मिले और ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी हो गई है दोस्तों। अगर हम बात करें इसकी सीट्स की, तो इसमें आपको लेदर सीट्स मिलेंगी दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे दोस्तों, जो कि आप अलग अलग कंडीशन के हिसाब से लगा सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ इसमें आपको फोर व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, जो कि टॉप मॉडल में ही मिलेगा। अगर हम बात करें इसके सीट्स की, तो इसमें आपको वेंटिलेशन सीट्स का भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, जो कि इस सेगमेंट में पहली बार होगा। साथ ही साथ इसमें आपको 10 इंचिस का टच स्क्रीन सिस्टम मिलेगा दोस्तों, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करेगा। और साथ ही साथ इसमें आपको ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, जो कि सेगमेंट में पहली बार है। अगर हम बात करें इसकी सीटिंग की, तो ये XUV आपको 5 सीटर और 7 सीटर दोनों में ही मिलने वाली है दोस्तों। और इसकी लेंथ बड़ा होने से इसकी गाड़ी की बूट स्पेस भी बढ़ गई है दोस्तों। अगर हम बात करें इसके ओवरऑल इंटीरियर की, तो इसमें आपको बहुत स्पेशियस इंटीरियर मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको 6 स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम मिलेगा दोस्तों, जो कि बोस का होगा। और साथ ही साथ इसमें आपको 2 ट्विटर का ऑप्शन भी मिलेगा। अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल साउंड आउटपुट की, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा अमेजिंग इसका साउंड होने वाला है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, तो दोस्तों इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो डिमिंग मिरर, ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग, इनबिल्ट नेविगेशंस, 360 डिग्री कैमरा, जैसे शानदार फीचर इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको दोस्तों पैनोरामिक सनरूफ का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। नई महिंद्रा की XUV500 में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर हम बात करें इसके MID की, तो इसमें आपको दोस्तों 8 इंच का मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलेगा, जो कि टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, डिस्टेंस टू MD, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसे शानदार फीचर ये शो करेगा दोस्तों। हम इसकी सेफ्टी की बात करें, तो इसमें आपको 8 एयरबैग्स, हाई स्टेंस स्टील बॉडी, मल्टी एंगल व्यू रिवर्स पार्किंग कैमरा, ABS विद EBD, लेन चेंजिंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स, एक्टिव इमरजेंसी ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग जैसे शानदार सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों।
अगर हम इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो महिंद्रा की नई XUV 500 आपको 2021 की शुरुआत में लॉन्च होती दिखाई देगी। दोस्तों महिंद्रा की नई XUV 500 की शुरुआती कीमत 14 लाख रुपए से शुरू होकर 19 लाख रुपए तक की जाने की उम्मीद है दोस्तों। तो आपको महिंद्रा की नई XUV 500 कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जाके सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो में दोस्तों।